वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर जिले के तहसील तिल्दा के रायखेड़ा गांव में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के 77वें वार्षिक राज अधिवेशन 2023 में शामिल हुए हैं। बालोद जिले के डोंडी लोहारा विकासखंड के भालूपुरहा गांव भी पहुंचे, जहां पर सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में भी शामिल हुए हैं। बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड के भालूकोन्हा गांव में मंदिर दर्शन का भी कार्यक्रम रखा गया और मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के लिए कई ऐलान भी किए गए। आप भी नीट से सेलेक्ट होकर MBBS मऊ अपन क्षेत्र में सामाजिक भवन मांगते तो मैं दे देता हूँ, शासकीय भवन जमीन में बनते, लेकिन समाज के खुद के संपत्ति होना चाहिए। ये हम शहर में देखते हैं दूसर मन से मांगते हैं, लेकिन हमारे खुद के समाज के भवन बनना चाहिए छत्तीसगढ़िया मन से। तेकर बार ये नीति बनाया कि 10% में वो जमीन मिली तो मल्ला, तो वो कर हिसाब से तो मन मांगा, तो मैं निश्चित रूप से जमीन भी उपलब्ध कराऊं और भवन पर पैसा भी उपलब्ध कराऊं। अब के बात कहते हुए अपन मॉडल में विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोले समाज गंगा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 9 जनवरी को होने वाले मतदान को लेकर नगर पंचायत आंधी में उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी घर घर जाकर के मतदाताओं से वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए जन समर्थन भी मांग रहे हैं। धमतरी में 9 जनवरी को उपचुनाव होना है, इसे देखते हुए नगर पंचायत आमदी में चुनावी माहौल रोचक हो गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड संख्या 2 में बीजेपी के जागेश्वर ध्रुव और कांग्रेस की अनीता ठाकुर के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड संख्या 9 में बीजेपी की सुनीता साहू और कांग्रेस की सत्या पांडे के बीच कांटे की टक्कर है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की प्रत्याशी घर घर जाकर समर्थन मांग रहे हैं। जो प्रधानमंत्री का आवास योजना है उसको लेकर जनता तक पहुंचाने का जो है उसको प्रचार कर रहे हैं, विकास की बात को। सुविधा है और नाले में जो ढक्कन नहीं है उसको बता रहे हैं, तो उसको बता रहे हैं। हमारा सरकार आएगा तो ये सबको पूरा करेंगे, आपका जो सहयोग है उसको पूरा करेंगे, आपका आशीर्वाद हमारे लिए योगदान होगा इसका। जैसे आवास का है, सीसी रोड है, बहुत काम ऐसे बचा हुआ है। मेरे पति पूर्व पार्षद थे, जिनका काम अधूरा बचा है उनको पूरा करूंगी। और बहुत से काम विकास हुआ है यहाँ, आवास पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है, कुछ कुछ बचा है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। आमदी उपचुनाव में होने वाले पार्षद पद के चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनावी कमान संभाल ली है और अपने प्रत्याशियों के साथ वार्ड में जन समर्थन मांगने पहुंच रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का दावा किया है। न हमारे पास मंद है, न महुआ है, न चेपटी है, न गोल है, बस हमारे पास विकास है। मोदी जी के द्वारा घर घर नल पहुँचाया गया। जल जीवन मिशन में मोदी जी ने घर घर शौचालय दिया, बहुत प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं, इसलिए हमको आशीष मिलेगा इस बार। और उपचुनाव में जो बदलाव है उसका एक प्रतीक आपको दिखाई देगा। देखिए ये तो केवल औपचारिकता बस शेष है आमदी में, बाकी हम लोग 2 नंबर और 9 नंबर जो हमारी अनिता भाभी है और सत्ता कुमकार जी हैं, उसके पूर्व में जो हमारी कांग्रेस के पार्षद थे और उन्होंने जो यहाँ कार्य किया है और माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा जो उनकी सरकार के द्वारा जो यहाँ पे विकास कार्य किए गए हैं वो अपने आप में पर्याप्त है। अब ये चुनाव के फॉर्मेलिटी के लिए सबको आना पड़ता है, उसी तारतम्य में हम लोग आए हैं, लेकिन विजय सुनिश्चित है। बहरहाल 9 जनवरी को होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अंतिम चरण में है। दोनों पार्टियों ने उपचुनाव में जीत को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। देखना होगा जनता किस पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाती है। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज़ 8।